हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे गोरखपुर। इसी दिन रामगढ़ता लाइट एंड साउंड शो का करेंगे लोकार्पण। 31 अगस्त को DVNDC के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन सत्र में सम्मिलित होने के बाद सिद्धार्थ नगर के लिए करेंगे प्रस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। पीएम ने कहा, स्वार्थ से स्वास्थ्य की ओर है जाना। गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर वीके सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री का आह्वान को आत्मसात करेगा विश्वविद्यालय। SIT टीम ने फर्जी असलाह लाइसेंस मामले में सील किए गए रवि आर्म्स कारपोरेशन का खोला ताला, जब्त किया सभी दस्तावेज। ASP ने कहा, शॉप प्रोप्राइटर के पुत्र की गिरफ्तारी के बाद उसकी मौजूदगी में खोली गई दुकान, अब दस्तावेजों के जांच के बाद ही होगी स्थिति स्पष्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदाता सूची की समीक्षा। कहा, 1 से 30 दिसंबर तक चलेगा मतदाता सत्यापन कार्यक्रम, जोड़े जाएंगे नए मतदाता। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO ने कहा, 2 सितंबर से शुरू होगा संचारी रोग से निपटने के लिए दस्तक अभियान। घर घर जाकर आशा कार्यकर्तियां देंगी दस्तक। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला कृषि योजना इकाई की बैठक। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने के दिए निर्देश। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संचारी रोग आयुष्मान भारत तथा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की प्रगति की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। त्योहारों को देखते हुए SDM सदर प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट SP सिटी के साथ पुलिस कर्मियों ने किया पैदल गश्त, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती साप्ताहिक समारोह में गोरखपीठ एवं भारतीय योग परंपरा विषय पर हुआ व्याख्यान का आयोजन। नाथ पंथ एवं गुरु गोरखनाथ के योग दर्शन पर डाला गया प्रकाश। ऐतिहासिक मामवाड़ा से निकलने वाले जुलूस और मेले की तैयारियों का SP सिटी तथा मियां साहब ने किया निरीक्षण। सुरक्षा सहित अन्य तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा बढ़ाए जाने व अस्थायी पुलिस चौकी बनाने पर बनी सहमति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मंडलीय सम्मेलन एवं शैक्षिक गोष्ठी का हुआ आयोजन। शिक्षकों के अधिकार को लेकर हुई चर्चा। हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी ने ज्ञापन देकर मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून बनाने व निर्माणाधीन फिल्म आयशा पर प्रतिबंध लगाने की मांग। और छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्रों ने कुलपति कार्यालय के समक्ष बैठकर किया धरना प्रदर्शन। विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की मांग।